हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शूट बाय स्टाइल। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो पर आप लोगों को बताता रहता हूं कि जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे तरीकों से अपराध को जन्म देते हैं और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, हमारे और आपके साथ। हम बहुत सारे तरीकों के फ्रॉड सुनते चले आए हैं कि ये फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है। और जो लोग लगभग मेरा वीडियो देखते हैं उन सबको ये पता भी होगा कि हम हमेशा नाम लेते हैं जामताड़ा का। जामताड़ा जो जगह है, ये साइबर का एक बहुत बड़ा हब है। लेकिन आज की इस वीडियो में बताना ये चाहता हूं कि जो जामताड़ा है, बेसिकली जामताड़ा आज की डेट में बहुत बड़ा हब नहीं रह गया है, क्योंकि जामताड़ा को अब रिप्लेस कर दिया है नोह। जी हाँ, नोह जो है ये हरियाणा का एक जिला है और नोह में इतना साइबर क्राइम बढ़ गया है कि जामताड़ा के पीछे पछाड़ दिया है। पहले जामताड़ा में 300-400 लोग हुआ करते थे जो इस तरीके का फ्रॉड को अंजाम दिया करते थे, लेकिन नोह में आजकल ऐसा हो गया है कि अगर एक थाना भी बनना होता है तो आम जनी पैदा हो जाती है, पत्थर पर पड़ाव फेंकना स्टार्ट हो जाते हैं। नोह में थाना बनना भी बड़ा मुश्किल है। साइबर क्राइम के भी कुछ थाने बनाए गए थे हर एक स्टेट में, और स्टेट नगर मान लो एक पर्टिकुलर जगह में जहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाने बनाए गए थे। नूह में अभी कुछ 3-4 महीने पहले आमजनी में पकड़ाव हुआ था, जिसमें इस बात का विरोध हुआ था कि यहां पर थाने नहीं बनेंगे इस तरीके के, यहां पर साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस के केस को सॉल्व किया जाए। तो नूह जो है ये अब एक बहुत बड़ा जगह बन गई है, नूह एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। अब नूह पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जामताड़ा जैसा बच्चा नहीं रहा, एक बहुत बड़ा पाप बन चुका है। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि आज की अगर इस वीडियो की बात करो, आज का वीडियो स्पेशली इसलिए है क्योंकि नूह के अंदर कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं। जी हाँ, कोचिंग क्लासेस चल रही है, जैसे IIT, GE, नीट की आप एंट्रेंस टेस्ट की क्लासेस लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर नूह में क्लासेस चलती है। इन क्लासेस की फीस है 40,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए। जी हाँ, 40,000 रुपए से 1,00,000 रुपए की फीस है। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस किस तरीके से फ्रॉड होता है और कैसे कैसे वो फ्रॉड किया जाता है। जी हाँ, सुनने में अभी जरूर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर 40,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए की फीस होती है और वो ली जाती है पर व्यक्ति से। उनको सिखाया जाता है, पूरी कोशिश दी जाती है कि किस तरीके से आपको फ्रॉड करना है, क्या क्या तरीके हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आसानी से फ्रॉड कर सकते हैं। मैं बता दूं कि नूह में अभी तक क्या होता था, धानी लोन, न्यू वीडियो स्कैम, इस तरीके के स्कैम्स को अंजाम दिया जाता था जामताड़ा में भी, नूह में भी। लेकिन नूह जो है वो एक साइबर हब नया बन गया है, यहाँ पर नई तरीके के फ्रॉड लिए जाते हैं। इसमें बात करूं कि आपको डायरेक्ट पुलिस से फोन आता है, वो होता है कि आपने ट्रैफिक पुलिस का नियम तोड़ दिया, अब आप पर इतना चला, इस चलान से बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आप जैसे भी उपाय करते हैं, वैसे आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लिंक भेजते हैं या आप OTP भेजते हैं, आपसे कहते हैं बताइए। अगर मैं बात करूं तो फिर ये बात करते हैं कोरियर सर्विस की। कोरियर सर्विस आपका जा रहा था मुंबई से अफगानिस्तान और बीच में पकड़ लिया, क्योंकि उसके अंदर MDA में अर्थात कोकिंग या गांजा भी पकड़ा गया। इसके बाद ये बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल पर एडल्ट वेबसाइट देख रहे थे, इसलिए हमारा फोन आया, हम साइबर क्राइम से बात कर रहे हैं और आप पर इतना फाइन पड़ेगा और इस तरीके से भी आपको ये अंजाम देते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये इसके अलावा ये अंजाम देते हैं न्यू वीडियो कॉल का। हालांकि स्कैम अभी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया, बट अभी भी ये न्यू वीडियो डायरेक्ट कॉल करके आपके नंबर पर और ये फ्रॉड को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे नए नए फ्रॉड हैं जो न्यू से अब टारगेट किए जा रहे हैं, और हम और आप जैसे लोगों के पास कॉल आते हैं और कहीं ना कहीं जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता वो फंस जाते हैं। तो बात पॉइंट ये है कि देखिए, पढ़ाई लिखाई की कोचिंग देना और फ्रॉड की कोचिंग देना, और ये खुलेआम चल रहा है, और हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो राजनीति है, उसमें खुलेआम देखा जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई इस पर एक्शन लेने वाला नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज अमेरिका, US, कनाडा, ये सब क्या है, इनके अंदर फ्रॉड बहुत कम होता है और होता भी है तो वो स्कैमर्स पकड़ लिए जाते हैं। बट हमारे यहाँ के लोग जामताड़ा से लोग मतलब एक नई जगह बनाते हैं, नए तरीके के फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि पकड़े भी नहीं जाते। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोचिंग क्लासेस चलना और चलकर वो सक्सेसफुल होती है, और हम जैसे आम आदमी
इनमें धन लिए जाते हैं और हमारी जेबें खाली होती है, सरकार आपको नाम रखे बैठी है। तो भाई फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था कि आपको किसी तरीके के स्कैम में फंसना नहीं है, क्योंकि स्कैमर्स की तादाद जो है वो कोचिंग क्लासेस को देकर बढ़ाई जा रही है और स्कैम की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि किसी तरीके की कॉल पर, किसी तरीके की बातचीत पर, किसी तरीके की एप्लीकेशन पर आपको तब तक भरोसा नहीं करना जब तक कि आप पूरी तरीके से सहमत ना हो कि ये जो चीज या आपसे बात की जा रही है, एप्लीकेशन जो है ये सही है। तो फिलहाल आज की वीडियो इतना ही, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट लाता रहूँ, जिससे आप कभी भी इस तरीके के फ्रॉड स्कैम्स में ना फंसे। तो फिलहाल आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें।